नमस्कार मित्रों, मैं आरके तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम चर्चा करेंगे सीजीपीएससी एसीएफ रेंजर एग्जाम 2020 के बारे में। इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 16 जून से और जो परीक्षा की तिथि है वो है 20 सितंबर 2020। तो आज के इस विश्लेषण में हम मुख्यतः तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहली चीज कि कुछ भ्रम, कुछ गलत फहमियाँ इस परीक्षा से जुड़ी हुई, उनको दूर करेंगे। दूसरी चीज कि आप कैसे बिना किसी कोचिंग, बिना किसी ऑनलाइन क्लास या बिना किसी टेस्ट सीरीज, यानी कि बिना एक भी रुपए खर्च किए, कैसे अपने घर बैठे इस परीक्षा की पर्याप्त तैयारी कर सकते हैं, भरपूर तैयारी कर सकते हैं। और तीसरी चीज कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कुछ शॉर्टकट्स, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यकीन मानिए ऐसा विश्लेषण आपने अभी तक इस परीक्षा के बारे में कहीं भी नहीं देखा होगा। और विश्लेषण को शुरू करने से पहले महाराज फाउंडेशन के बारे में दो शब्द कि व्हाट इज महाराज फाउंडेशन। महाराज फाउंडेशन इज अ फर्स्ट एवर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इन छत्तीसगढ़। जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस की बात छोड़िए, जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं वो तक 100% फ्री होते हैं। हम बेसिकली ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं, छोटे कस्बों में काम करते हैं। सरगुजा और जशपुर के स्टूडेंट्स भलीभांति परिचित होंगे हमसे, और चूंकि ग्रामीण बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो शहर के बच्चों को मिलती हैं, इसलिए हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही साथ युवाओं को स्वरोजगार पर भी लगाते हैं। और एक बात कि शिक्षा के व्यवसायीकरण का हम पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में आपके भी इलाके में, आपके भी कस्बों में महाराज फाउंडेशन लॉकडाउन के बाद में दिखेगा। तो आइए विश्लेषण को शुरू करते हैं। सीजीपीएससी एसीएफ रेंजर एग्जाम 2020। तो एडवर्टीजमेंट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सीधा पेपर वन और पेपर टू की बात करूंगा, जो एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, पेपर वन और पेपर टू के बारे में बात करते हैं। तो दो पेपर होंगे इसमें, पेपर वन होगा और एक पेपर टू होगा। अच्छा, बात हम वहां से शुरू करते हैं कि जब ये एडवर्टीजमेंट निकला तो बड़ा उत्साह था आप में से बहुत से लोगों में। इसके बाद जब आपने डाउनलोड किया, सिलेबस वगैरह देखा, तो थोड़ा सा उत्साह कम हो गया। इसके बाद आया सीजीपीएससी प्री का रिजल्ट, वहां उत्साह थोड़ा सा और कम हो गया कि भैया कट ऑफ इतना ज्यादा जा रहा है। तो यही उत्साह मैं वापस दिलाने लाया हूँ कि डरने की बात नहीं है। अच्छा, डर कहाँ से आता है सिलेबस के बारे में? तो ये समझना जरूरी है कि कुछ पब्लिशर्स और कुछ कोचिंग का व्यवसाय ही इस डर के कारण चलता है जो आप लोगों के मन में बैठ जाता है सिलेबस को लेकर। तो अभी भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि आज भी पेपर वन उतना ही जरूरी है। पेपर टू तो है, लेकिन जो कट ऑफ डिसाइड होगा, जो सिलेक्शन डिसाइड होगा, कंपटीशन कहाँ है, पेपर वन में कंपटीशन है। पिछला रिजल्ट आप उठाकर देख लीजिए, पेपर वन और पेपर टू के मार्क्स देख लीजिए। मेरे पास काफी सारा डेटा है इस बारे में, कट ऑफ वगैरह, जो इस परीक्षा की कितनी कट ऑफ जाएगी उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें जो काम अपन करने आए हैं वही काम करेंगे। तो जैसा मैं पिछले बार का बताऊं, जो टॉपर की बात करते हैं, तो जो टॉपर के मार्क्स थे वो थे कुछ ऐसे, ये इंटरव्यू का मार्क्स नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा कि जितने भी मेरिट लिस्ट में बच्चे हैं, हो सकता है कि दो चार लोगों का पेपर टू में नंबर ज्यादा हो, मगर अधिकतर डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, पेपर वन। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि पेपर वन ही डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ये कई कोचिंग वाले आपको नहीं बताएंगे कि पेपर वन डिसाइडिंग है, क्योंकि वो फिर नया चीज, नया पाठ्यक्रम कैसे आप लोगों को भेजेंगे। तो
अब स्टार्ट करते हैं कि पेपर वन में क्या चीज होता है। पेपर वन की बात करते हैं। पेपर वन के तीन पार्ट है, जैसा कि जानते होंगे आप लोग। पहला पार्ट है जीएस, दूसरा पार्ट है लैंग्वेज और तीसरा पार्ट है मैथ्स प्लस रीजनिंग। मैथ्स प्लस रीजनिंग, हिंदी वाले जनरल जनरल नॉलेज जीके, ठीक है। लैंग्वेज और मैथ्स रीजनिंग, लैंग्वेज यानी कि भाषा, हिंदी इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। मैथमेटिक्स यानी कि गणित और रीजनिंग मतलब मानसिक योग्यता। तो ये 50-50 नंबर में बटा होता है, ये 50, ये 50 और ये भी 50। अब लैंग्वेज में होते हैं तीन चीज, 17-17 सवाल बनते हैं हिंदी से, इंग्लिश से और छत्तीसगढ़ी भाषा से। तो 17-17 सवाल, 17-17 16 इस तरीके से चलता है। जीके आपको सिर्फ और सिर्फ कहां का पढ़ना है? छत्तीसगढ़ का जीके। जीके सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का पढ़ना है। तो मेहनत अभी भी आपको इसी पेपर में करना है, क्योंकि दूसरा पेपर बहुत ही एवरेज जाएगा। हर किसी का 75 से लेकर 80 सवाल सही होगा, कोई बहुत अच्छा है तो 90 सवाल सही करेगा। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो है पेपर वन। अब पेपर वन के जो जीके की बात करते हैं, तो मान के चलिए कि कोई बंदा अगर पहली बार परीक्षा में बैठ रहा है, तो अगर मैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का बात करूं, जो पहली बार भी परीक्षा देगा, 50 में से 20 सवाल सही करेगा ही करेगा, हर कोई कर लेता है। जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है वो 50 में से 20 सवाल सही कर लेता है। अब जो इसके लिए मैं टिप देने जा रहा हूं कि जीके की पढ़ाई आप कैसे करेंगे और कहां से करेंगे, तो सबसे पहली चीज कि एक जिला दर्शन, जिला दर्शन नाम का एक पुस्तक होगा, ठीक है। तो ये एटलस की तरह होता है, बड़ा ही पतला सा पुस्तिका होता है जिसमें हर जिले की जानकारी होती है, हर जिले का नक्शा होता है। पब्लिशर का नाम नहीं पता मुझे, आप ऐसा बुक देखेंगे तो जरूर मिल जाएगा। तो एक जिला दर्शन बहुत ही जरूरी होता है आपको, कम से कम 10 से लेकर 15 सवाल सही करने के लिए। छोटे मोटे जो सवाल होते हैं, कौन सी नदी, कहाँ क्या उद्योग, कहाँ कौन सा खनिज, ये सारी चीजें आपको इसमें पता चल जाएगी बड़े ही शॉर्टकट वे में। और जो आपका सीजी का पाठ्य पुस्तक है, जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले आप दो चीज कवर करिएगा। सबसे पहले तो हिस्ट्री यानी कि इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास, और दूसरी चीज जनजाति। अगर ये तीन चीज हो जाता है, जिला दर्शन कर लेते हैं, हिस्ट्री कर लेते हैं और जनजाति, और मतलब जनजाति के साथ में उनका त्योहार, तीज त्योहार, पर्व, ये सारा चीज, तो मेरे ख्याल से इस 50 में से 35 सवाल आप सही कर लेंगे, 35 सवाल सही कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अब आते हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज में जैसी पढ़ाई आप कर रहे हैं हिंदी की, इंग्लिश की, छत्तीसगढ़ी की, वैसे ही करते रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में बेसिकली जो इंग्लिश होता है, जो प्रीपोजिशन वगैरह, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं, वो एक कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश में अक्सर कम्युनिकेशन स्किल पूछा जाता है, जैसे वो संचार माध्यम, संचार, तो अच्छे संचार के बारे में कौन कौन से होते हैं, एक भी, दो भी, तीन भी, इस तरह के सवाल। और जो कुछ एक दो शब्द वाले होते हैं ना, कि ये इंग्लिश का शब्द है, इसका समानार्थी कौन सा होगा, तो इन सब सवालों के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। कोई इंग्लिश का प्रोफेसर भी आके बैठेगा तो उन सारे सवालों को सही सही बनाने की गारंटी नहीं ले सकता। तो हमको ये टारगेट लेके चलना है कि इन 17-17 सवालों में से कम 10, 10 और 10 इतने की तैयारी हमको करके चलनी है, यानी कि यहाँ से
30 नंबर। तो यहां से आया आपका 35 की तैयारी का तरीका बताया, यहां से बताया 30 की तैयारी का। जैसा कर रहे हो वैसा ही करिए, कोई एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मैथ्स और रीजनिंग पे। तो मैथ्स और रीजनिंग में, गणित में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको जरूर पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके सवाल को हल करिए। जैसे एक दो चीज बता देता हूं। सबसे पहले संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, पहला चीज संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम। एक और चीज जो जो याद आते जा रहा है मैं बताते जा रहा हूं, एवरेज यानी कि औसत। फिर होता है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और प्रोपोर्शन को पता नहीं क्या बोलते हैं, अनुपात वाला चीज। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, गति, दूरी और समय, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इनके सवाल बिल्कुल लगाते रहिए, हमेशा लगाइए। और स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो आपका पाई चार्ट होता है, ग्राफ होता है, इन चीजों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसा सवाल जरूर से जरूर आएगा, पाई चार्ट और ग्राफ वाला, बड़े आराम से 3, 4, 5 नंबर देकर जाता है। तो ये हुई बात मैथमेटिक्स की। कोई टॉपिक छूट रहा होगा तो मैं उसको कमेंट वगैरह बाद में फिर से दे दूंगा। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है। रीजनिंग ऐसी चीज है, अगर आपसे बनता है तो बिल्कुल बनेगा, और अगर आप इसमें बहुत कमजोर हैं तो तुरंत में मेहनत करने का तो मैं कोई साधन नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा है कि रीजनिंग में अगर आप बैठेंगे तो आराम से 15 सवाल बना लेंगे, और मैथ्स में भी आपको कोशिश करना है कि 15 सवाल बनाने हैं। यहां से 15 ले आइए, यहां से 15 ले आइए। अब आप में से कोई ऐसा होगा जो इसमें से भी यहां से 5 और उठा लेगा, या यहां से 5 और उठा ले, या इनमें से कहीं से 5 उठा ले। तो कितने नंबर की तैयारी हो गई है? 35 और 30 और 30 यानी कि 95 सवाल की तैयारी हो चुकी है, बिना टेंशन लिए, बिना घबराए। इससे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, 3 महीने का समय है, बिल्कुल मेहनत करिए, कोई नहीं रोका है। एक शॉर्टकट, एक तरीका, किस तरफ जाना है, दिशा बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक कहावत होती है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, लेकिन वो कहावत बदल चुकी है, देयर इज शॉर्टकट टू सक्सेस बट अ वेरी फ्यू नो इट। देयर इज शॉर्टकट टू सक्सेस, जो शॉर्टकट से सक्सेस को पा लिया वो कभी थोड़ा ही बताएगा कि मैंने शॉर्टकट से पाया है। देयर इज शॉर्टकट टू सक्सेस बट वेरी फ्यू नो इट, ठीक है? जिनको पता है वो आपको बताएंगे भी नहीं, जिस किसी से भी, किसी का सिलेक्शन अगर शॉर्टकट से पढ़ के भी हो जाएगा ना, तो उनसे जब इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपने कैसे पढ़ाई की थी, तो आपको जरूर बताएगा कि मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया मैंने। तो कोई भी नहीं बताएगा कि मैंने शॉर्टकट से इसको पाया है। तो आजकल समय ही चल रहा है स्मार्ट स्टडी का, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी हमको लाना पड़ेगा। ये बात हो गई पेपर वन की, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये बात हो गई पेपर वन की, अभी पेपर टू पर भी चलेंगे। पेपर टू में इस बार दो नए चीज हैं, कौन कौन से? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। इसी बात का हवा बनाए हुए हैं सब कि भाई कैसे होगा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, कुछ भी नहीं करना है उसके बारे में बता रहा हूं। तो पेपर जो टू है, पेपर टू के 5 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहला होता है साइंस
साइंस के बाद आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बाद में आता है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, ठीक है, और इसके बाद में आता है आपका एग्रीकल्चर, और इसके बाद में आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री तो विज्ञान तक टेक्नोलॉजी जो भी हो, और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, कृषि और वानिकी। तो अब कुछ विश्लेषण में देख रहा था, तो उन विश्लेषण में बताया गया कि साइंस के भी तीन पार्ट और हो गए। तो साइंस के तीन पार्ट हुए तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। तो ये तीन सब्जेक्ट और एक चार, एक पांच, एक छः, एक सात। तो विश्लेषण करता क्या किए कि सारे में सवालों को बता दिए कि लगभग लगभग 20 से 22 सवाल हर चीज से पूछा जाएगा, यानी कि फिजिक्स से भी 20-22, केमिस्ट्री से भी 20-22, इनमें से भी 20-22। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? अगर ये दोनों आए हैं तो ये किसी शादी में फूफा जी लोग तो है नहीं, यही तो लड़की के पिताजी और लड़के के पिताजी हैं। तो 30-30 सवाल तो यहाँ से डन है, 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। अब मेरे हिसाब से ऐसा मैं सोच रहा हूँ, सिर्फ एक अनुमान है, बाद में आप याचिका दायर मत करने चले जाइएगा कि मैंने कुछ गलत बताया था। मेरा एक अनुमान है कि सवाल कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। या एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 50, साइंस 50 और ये दोनों मिलाकर 50, ये एक दूसरा तरीका हो सकता है। इन दो तरीकों के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है जैसे सवाल आएंगे, ठीक है। तो या तो केवल साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर वही 17-17 सवाल, इन दोनों से 25-25 सवाल, इन दोनों से 25-25, ऐसा हो सकता है। या फिर साइंस के प्रश्न कम हो सकते हैं, 30 सवाल हो सकते हैं साइंस के, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आयोग के ऊपर है। ये मात्र एक अनुमान है, सिर्फ एक अनुमान है। अब इसके बाद साइंस के जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस जो आपने देखा, कुछ प्रतिभागी अगर ये सोच रहे होंगे कि साइंस 9th और 10th लेवल का है, तो प्लीज एक बार एडवर्टीजमेंट को पढ़ लीजिए, उसमें सिलेबस को देख लीजिए। 9th और 10th का सिलेबस नहीं है, 11th और 12th का सिलेबस है। तो अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ा है स्कूल में, मतलब थोड़ा बहुत भी याद है, तो आप सीधे सीधे कहाँ पर जाएंगे? साइंस का ऑप्शनल क्वेश्चन तैयारी करने के लिए, यानी कि MCQ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अगर आपको साइंस का थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी पता है, कुछ याद है, आप सीधे सीधे जाइए MCQ पे। किसी भी एक टॉपिक को उठाइए, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक है पॉलीमर या बहुलक, तो गूगल में टाइप करिएगा पॉलीमर MCQs, या हिंदी में टाइप करिएगा बहुलक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो आपको वहां से कम 50 प्रश्न मिल जाएंगे। 50 मिलेंगे, किसी टॉपिक पे 100 प्रश्न मिल जाएंगे, अलग अलग वेबसाइट हैं, बड़े आराम से मिल जाएंगे। और आपको एक विश्वसनीय वेबसाइट उसमें से चुनना पड़ेगा कि किस वेबसाइट में आपके काम की जानकारी मिल रही है, वहां से आप MCQs को पढ़ना शुरू करिए। टॉपिक पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरी पुस्तक लेके नहीं बैठनी है, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, क्योंकि या तो 10-10 सवाल होंगे या तो 17-17 सवाल होंगे। मान लीजिए 17 सवाल भी हुए, फिजिक्स से 17, केमिस्ट्री से 17, बायोलॉजी से 17, तो आप कितना भी पढ़ लेंगे 17 में से 17 नहीं बनने वाले हैं, 4-5 सवाल छूटेंगे ही छूटेंगे। अगर आप सिर्फ MCQ करके जाते हैं तो भी 17 में से 12 सवाल बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे, यही से तो प्रश्न आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक निर्धारित टॉपिक्स का ही होता है, कई ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जहां से सवाल ही नहीं है, जो सिलेबस में टॉपिक है वहां से सवाल ही नहीं आना है। सवाल आने के कुछ फेमस टॉपिक्स होते हैं, इस बारे में भी चर्चा है, मुझे समय मिला तो एक और वीडियो में बनाऊंगा, इस वीडियो में ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको
कैसे जाना है? एमसीक्यूज पे। बरसात का समय है, ढेर सारे कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, ढेर सारे बूटों कुकड़ी उग रहे हैं, ढेर सारे टीचर भी आपको मिल जाएंगे जो केमिस्ट्री के किसी एक टॉपिक को पढ़ के और बढ़िया से पढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है, बात को समझिए, आप सिर्फ एमसीक्यूज की ही तैयारी कीजिए। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा हिस्सा होता है कंप्यूटर का, जिसको गलत नहीं करना है, जिसको हर बार पढ़ते आ रहे हैं। सीजी व्यापम वगैरह की भी परीक्षा लेते होंगे, उसमें मिलता ही मिलता होगा प्रिंटर के प्रकार, कौन सा वायरस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इनको बिल्कुल पकड़ के रखना है। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये 50 सवाल आते हैं साइंस से, या 50 अगर आते हैं, तो 50 में से 30 आपसे बन जाएंगे अगर आपने एमसीक्यूज पढ़े। अच्छा, साथ में पीईटी पीएमटी के भी पिछले पेपर देख लिया करिएगा जो छत्तीसगढ़ सरकार के होते हैं। और टेक्नोलॉजी के लिए पहली चीज कंप्यूटर के बारे में देखिएगा, इसके बाद आपको नासा और अपना इसरो वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ है, इसके लिए पुस्तिका वगैरह आती है नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए, जो भी आप जीके की बुक प्रेफर करते होंगे उसमें मिल जाएगा बड़े आराम से। पर्यावरण के लिए भी नेशनल लेवल की पुस्तकें रेफर कीजिए, जो मल्टीपल चॉइस में भी ज़्यादा जाना है, पर्यावरण के लिए भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ही ज़्यादा जाना है। अब आते हैं एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पे। तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का भी काम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही बनेगा। अगर अभी आप पढ़ने बैठेंगे कॉन्सेप्ट तो समय बर्बाद होगा। और इसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टॉपिक को उठाइए, गूगल में टाइप करिए तो निकल के आ जाएगा ढेर सारा एमसीक्यू। तो इसमें डरना नहीं है, इस पेपर में एक एवरेज मार्किंग ही अपन को लानी है। जैसे अगर मैं पहला पेपर बोल रहा हूँ कि अपन 100 सवाल सही करते हैं लगभग, तो अगर यहाँ पर 80 सवाल भी सही करते हैं तो सेफ साइड में रहेंगे। वैसे जनरल के लिए इस बार का कट ऑफ मेरे ख्याल से 600 में से 400 नंबर जाएगा, यानी कि 100 सवाल सही करने की कोशिश करिए। पिछले बार का जो था 600 में से 378 तो टॉपर का था, और जो एसटी का जो कट ऑफ गया था वो 213 था, ओबीसी का जो कट ऑफ था वो था 308, ओबीसी का कट ऑफ था 308। तो ये बात है, डरना नहीं है पेपर से। पहले पेपर में आपको 100 सवाल सही करने हैं, दूसरे में 90 भी सही हो जाता है, कोई बात नहीं। और एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से बिल्कुल नहीं डरना है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें तो बड़े लिमिटेड हैं। कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा, जब आप बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पे जाएंगे, सिलेबस को पढ़िएगा, बायोलॉजी के कुछ इसमें कॉमन पड़ जाएंगे, इसमें भी कॉमन पड़ जाएंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एमसीक्यूज पर ध्यान देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये बात हुई इस पेपर की, तो देखिए पढ़ के, अगर ऐसे समझ में आता है तो बड़ी अच्छी बात है, हम समय भी बचा सकते हैं। 3 महीने का समय है, ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इधर से कर सकते हैं। और ध्यान किस पे देना है, डिसाइडिंग कौन है, ये है डिसाइडर, पेपर वन है डिसाइडर, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। और जो अभी तक थोड़े निराश हो चुके थे इससे कट ऑफ वगैरह से, तो बिल्कुल डरिए नहीं, आराम से फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने का समय अभी बचा हुआ है। और जो ग्रामीण बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, क्योंकि शहर के बच्चों को ढेर सारी सुविधाएं होती हैं, ग्रामीण बच्चों के पास नहीं रहती हैं, तो कम से कम उनको काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी, एक मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो इसको शेयर करिएगा वीडियो को। और जो अभी तक सोच रहे हैं, कुछ बहानाबाजी भी होता है, जैसे मान लीजिए प्राइवेट जॉब वाले कुछ दीदी होंगे, कोई भैया होंगे कि हमको जॉब के बाद टाइम नहीं मिलता है, तो ये सारा काम जो मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का काम है। आप अपने मोबाइल में 3 घंटे का समय रोज ही देते हैं, बड़े फालतू की चीज़ें देखते हैं, शेयर करते हैं, थोड़ा सा अगले 3 महीने आप इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो जॉब में हैं या जिनकी शादी हो चुकी है, जो सोचते हैं कि फैमिली के बाद टाइम नहीं मिल पा रहा है,
तो सारे बहानेबाजी एक तरफ करके इसकी तैयारी कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आने वाले समय में मैं कट ऑफ के बारे में भी इसका बताऊंगा और सीजीपीएससी के कट ऑफ क्यों बढ़ रहे हैं इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर आगे भी बना रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले विश्लेषण भी आप सुन पाएं और देख पाएं। तो एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।